भागवतीं वार्तां यदा भगवान् शुक कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् हानि वाक्येन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णं कृतवान् संहिता मुनि तस्य पुत्रो महायोगी समद्रिं निर्विकल्पक एकांतमतिरुन्निद्रो गूढो मूढ़ इवेयते कथम आलक्षितः पौरै संप्राप्तः कुरुजांगलान् उन्मत्तमूकजडवन् विचरन् गज्जसावहै एक समय की बात है नारायण, आपके सनातन सनातन धर्म को बनाने वाले महान ऋषि महर्षि वेदव्यास जी महाराज, उन्होंने देखा कि हमारे समाज के जो अंतिम वर्ग के लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, उनका उद्धार होना चाहिए, वहां तक भी धर्म पहुंचना चाहिए, भगवान पहुंचना चाहिए। और हमारे स्त्री वर्ग के लोगों को भी देखा उन्होंने, स्त्रियों का भी उद्धार होना चाहिए। बहुत सरल शब्दों में उन्होंने पुराणों का निर्माण किया, कथा कहानियां डाल के, जिसमें छोटे बड़े बूढ़े जवान सारे वर्ग के लोग समझ सके। और उसके बाद फिर 1,00,000 मंत्रों का महाभारत बनाया। भारतो पंचमो वेद, भारत को पांचवा वेद बोला गया। और उन्होंने घोषणा कर दी इसमें सबका अधिकार है, सब लोग पढ़ो महाभारत, सब लोग पढ़ो भगवत गीता। महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता आई है, और भगवत गीता हिंदुओं का धर्म ग्रंथ। दुनिया में जो फिलोसॉफी जाती है भारत की, वो भगवत गीता के माध्यम से। ऐसे महान ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया, और निर्माण करने के बाद उसका अधिकार दिया एक दलित जाति के व्यक्ति को, पिता में रो महर्षण। ये बहुत बड़ी क्रांति की बात थी। आज से 5,000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना की, 1,00,000 मंत्रों का महाभारत बना दिया, और उसका आचार्य बना दिया एक रोम हर्षण नाम के दलित आदमी को। उन्होंने अधिकार दे दिया मानव मात्र, जो भी लोग हैं, जो सर्व समाज के लोग हैं, सब महाभारत पढ़े, सबके पास धर्म पहुंचे। बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। आज जो आपके पास सनातन धर्म है वो महर्षि वेद व्यास का विस्तार है, सनातन धर्म के विस्तारक पुरोधा महर्षि वेद व्यास जी महाराज। लेकिन एक काम अभी उनके द्वारा बाकी रह गया था नारायण, उनको संतोष नहीं था। इतना सारा काम करने के बाद भी मन में संतोष नहीं था। तथापि बत मे देहो ह्यात्मा चैवात्मना विभु असंपन्नैवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमो। नारद जी महाराज का आगमन हुआ व्यास जी महाराज के आश्रम में। नारद जी महाराज ने देखा महर्षि वेद व्यास जी महाराज का चेहरा थोड़ा लटका हुआ है। आपके मन में कोई चिंता हो तो वो आपके चेहरे पर आ जाती है। आप बहुत प्रसन्न है अंदर से तो वो प्रसन्नता आपके चेहरे पर प्रकट हो जाती है, कहना नहीं पड़ता है। आप बहुत दुखी हैं तो आपका दुख आपके चेहरे पर प्रकट हो जाता है। नारद जी महाराज ने देखा व्यास जी महाराज जी का चेहरा थोड़ा लटका हुआ है। आसन ग्रहण करने के बाद नारद जी महाराज ने पूछा, भगवान पाराशर्य महाभाग भवतः क्वचिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानस एव, क्या आपका ये शरीर ठीक है, आपका मन ठीक है, क्या आपकी आत्मा ठीक है? रोगादि विकारों से ये शरीर अस्वस्थ हो जाता है, कामादि विकारों से ये हमारा मन अस्वस्थ हो जाता है।
और अज्ञान से हमारी आत्मा अस्वस्थ हो जाती है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मह्यन्ति जन्तवः। व्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा भगवान मेरा शरीर तो ठीक है, कोई रोग नहीं है और मेरा मन भी बहुत ठीक है क्योंकि कामादि विकार नहीं है, किसी के प्रति घृणा या जलन नहीं है। तथापि नात्मा परितुष्यते मे स्नातस्य मेतन न्यूनमलम विचक्ष। उसके बाद भी मेरी आत्मा ठीक नहीं, उन्होंने कहा मेरी आत्मा ठीक नहीं और मेरे जीवन में जो कमी है वो मेरे को नहीं मालूम पड़ रही है, आप मेरे को बताइए। आदमी को अपनी कमियां मालूम नहीं पड़ती हैं। आदमी हमेशा अपना मूल्यांकन ज्यादा करता है, आप जितना होते हैं उससे ज्यादा मूल्यांकन करते हैं अपना, और इसीलिए अपने को अपनी कमियां कभी मालूम नहीं पड़ती हैं। जब आपको अपनी कमियां मालूम न पड़े तो दूसरे से पूछ लेना चाहिए। ये एक बहुत सामान्य बात है, ये बहुत सामान्य बात है। और यहां पर भी व्यास जी महाराज ने प्रार्थना की। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी महाराज ने कहा अपने समाज के निर्माण के लिए, समाज के उद्धार के लिए सारे शास्त्रों का निर्माण किया है, लेकिन अभी आपने भगवान का भजन नहीं किया है। ये बड़े गहरे रहस्य की बात कही। आपके जीवन में बहुत सारा अनुभव, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा संग्रह है, आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक बात आप अक्सर बोलते हो, महाराज सब कुछ है लेकिन मन को शांति नहीं। आप ये बात अक्सर दोहराते हो, सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है। या कितने लोगों को मन की शांति है, किसी का नाम शांति हो तो बात अलग है। हमारे पास भी हमारे स्वामी जी महाराज हैं, स्वामी शांतानंद सरस्वती जी महाराज वृंदावन से पधारे हैं, शांत आनंद है। और हमारे पास भी शांति है, हमारे पास भी शांतानंद। आप बहुत सारे लोगों को पूछो तो ये शिकायत सबके पास है, शांति नहीं है, है कि नहीं? और यहां पर भी व्यास जी महाराज ने बात यही बोली, नारायण सब कुछ है लेकिन क्या नहीं है, शांति नहीं है। और इसका उत्तर जो दिया नारद जी महाराज ने, यही उत्तर दिया, आपने समाज के लिए सारे शास्त्रों का निर्माण किया, समाज के उद्धार के लिए सब कुछ किया, लेकिन अपने लिए भगवान का भजन नहीं किया। और यहां पर नारद जी महाराज ने अपने अनुभव की बात बता दी। नारायण आपके सामने कोई अनुभव की बात बता देता है तो वो बात प्रामाणिक हो जाती है, केवल सुनी सुनाई दवा। आप किसी को बोल दे तो सामने वाला बोल देता, पूछता है क्या आपने खाया है क्या। आप कभी भी किसी को बोल देना भैया हमारा सिर दुख रहा है, वो आपको 50 दवा बता देगा, वो नहीं बताएगा, बताएगा वो। आप उनको बोलना मेरा गला खराब हो रहा है तो आपको 25 दवा बता देगा, वो ये करो वो करो वो करो वो करो, आप परेशान हो जाओगे। और वो प्रामाणिक रूप से बोलेगा इसको करोगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन आप उसको पूछना कि ये दवा आपने खाई क्या, बोलेगा मैंने तो नहीं खाई। आपने उसको खाया नहीं है और आप बोल रहे हैं कि आप खाओ तो वो प्रामाणिक नहीं है बात। बात तो प्रामाणिक वो है जो आपके अनुभव की हो। यहां नारद जी महाराज ने अनुभव की बात बताई। अहम पुरातीत भवि भवम मुनि दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालकैव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृष निर्विवक्षताम्।
अहम पुरातीत भवे भव मुने। नारद जी महाराज ने कहा कि मैं पहले जन्म में एक दासी का पुत्र था। दासी का पुत्र माने शूद्र वर्ण में पैदा हुए थे, बहुत गरीब करके थे वो, बहुत सारी सुविधाएं उनके पास नहीं थी और वो मां थी अकेले, पिता भी नहीं थे चल बसे। बड़ा सुंदर ये नारद जी महाराज जी का चरित्र चित्रण है, मैं आपको संक्षेप में सुना देता हूं। नारद जी महाराज की मां एक गांव में बसती हैं, ब्राह्मणों की बस्ती हैं, वहां पर अनेकों घरों में जाके झाड़ू पोछा का काम करती हैं और जो भी आजीविका उसको मिलती हैं उसे अपने बच्चे का और स्वयं का पालन पोषण करती हैं। ये घटना नारद जी महाराज ने खुद स्वयं बताई है। भागवत में बहुत प्रामाणिक रूप से नारद जी महाराज ने आत्मचरित्र बताया है। एक बार की बात है, नारद जी महाराज जी के गांव में महात्मा आए चातुर्मास करने के लिए। पुराने जमाने में महात्मा लोग एक स्थान पर 4 महीने रहकर चातुर्मास में भगवान का भजन किया करते थे। नारद जी महाराज जी के गांव में भी कुछ महात्मा आए चातुर्मास करने के लिए। ब्राह्मणों का गांव था और उस गांव में अन्य जाति के लोग भी थे लेकिन अधिकांश ब्राह्मण थे। महात्मा लोग रहने लगे। नारद जी महाराज जी की मां को और नारद जी महाराज जी को सेवा में लगा दिया, झाड़ू लगाना, पोछा करना, उनको भोजन कराना, उनके बर्तन उठाना। नारद जी महाराज की उम्र 5 वर्ष की थी, बहुत निर्मल मना बालक थे नारद जी महाराज। महात्माओं के पास जाके बैठते और उनके चरणों में बैठ करके वो सुनते थे। महात्मा लोग आपस में शास्त्र की चर्चा करते थे, भगवान की लीलाओं का गुणगान करते थे। 5 वर्ष की उम्र के नारद बैठ करके सुनते थे और उनके अंदर का जो अध्यात्म, जो पूर्व जन्म की साधना थी, वो महात्माओं के सानिध्य में आने से वो प्रकट हो गई। बड़े सेवाभावी थे, उनके अंतकरण में बड़ा विनय था और इंद्रियों में आज्ञाकारिता का भाव। महात्मा लोग बोलते बेटा ये काम करो, फट से काम कर देते थे। महात्मा लोग बोलते बेटा जाओ कमंडल भर के जल ले आओ, लाके दे देते थे। महात्मा लोग बोलते बेटा जाओ वो कौपिन वहां सुखाई है उठा के लिया, वो दौड़ के चले जाते और कौपिन उठा के ले आते। महात्मा लोग बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के महात्मा लोगों ने उनको मंत्र दे दिया। ये महात्माओं की बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है। नारद जी महाराज की उम्र 5 वर्ष की और उस 5 वर्ष की उम्र के बालों को नहीं मालूम मंत्र क्या है, साधना क्या है, गुरु क्या है, दीक्षा क्या है। और इसलिए महात्माओं ने प्रतीक्षा नहीं की कि नारद हमको बोले, हमको मंत्र चाहिए। उन्होंने सोचा इतना छोटा बालक है, चलो इसको चेला बना देते हैं, बिना पूछे, बिना उनकी मां को पूछे और वो नारद जी महाराज जी को भी बिना पूछे नारद जी महाराज जी को चेला बना दिया। नारद जी महाराज जी को भी मालूम नहीं था कि मेरे को इन्होंने चेला बना दिया। हम भी ऐसा ही करते हैं, ये महात्माओं की बात हम भी अपना लेते हैं। कोई भी चेला मिल जाता है तो उसको मोड़ लेते हैं, उसको बोल देते हैं, उसे कान में एक छोटा सा मंत्र बोल देते हैं और वो छोटा सा मंत्र बोलते उसको मालूम पड़ने लगता है कि हमारे गुरु जी हैं। अभी आदिवासी बालक हमारे पास 25 बालक हैं, उनको क्या मालूम गुरु, उनको क्या मालूम दीक्षा, उनको नहीं मालूम था संस्कार। गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे पास आए और हमने सबको कान में मंत्र दिया और हमने उनको बोला कि आज के बाद तुम्हारा ये मंत्र, ये तुम्हारा इष्ट और मैं तुम्हारा गुरु। अभी सारे बच्चे मेरे को गुरु जी बोलते हैं और वो बहुत कुछ सीखने का प्रयत्न करते हैं। उनके अंदर मर्यादा,
उनके अंदर वो सत्य दया करुणा भगवान का भाव प्रकट हो रहा है। इसलिए आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि सामने वाले आदमी को मंत्र चाहिए कि नहीं, बुला लेना चाहिए और कान में बोल देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप पूछ सकते हैं, भैया तुम्हारे पास कोई मंत्र है क्या? और यदि उसने बोला नहीं है तो फट से बोल देना चाहिए, जबरदस्ती बोल देना चाहिए। ये अध्यात्म है, अध्यात्म का प्रचार है, सामने वाले के हित की बात है। डॉक्टर आपको दवा खिला देता है, कई बार तो नर्स आपको पकड़ के रखते हैं दो दो तीन तीन और इंजेक्शन लगा देती है कि नहीं, आप बोल देते भैया इंजेक्शन नहीं लगाओ नहीं लगाओ नहीं, वो लगा देती है। क्योंकि आपको मालूम नहीं, नर्स को मालूम है, ऐसे साधु को ये भगवान के विस्तार की दीक्षा को देने के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। 5 वर्ष के नारद मंत्र दीक्षा मिली। नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी महाराज जी को मंत्र मिला नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सीधे बैठ जाओ थोड़ा और भगवान का नाम स्मरण करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र मिला नारायण और वो नारद जी महाराज बैठ गए माला लेके, आंख बंद करके बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरो शांति से बैठ करके भगवान की लीलाओं का श्रवण करने लगे। ओहो, थोड़ी समय के बाद जो भी उनके जीवन में कमियां थी वो बाल्यकाल में ही समाप्त हो गई। यहां तो लिखा है वो समाधि की तरह होने लगे और संसार के जो पदार्थ महत्वपूर्ण मालूम पड़ते थे वो उनके दृष्टि से महत्वहीन हो गए। वो सोचते थे ये सारी चीजें परिवर्तनशील है, मिटने वाली है, बदलने वाली है, स्वप्न की तरह है। एक परमात्मा सत्य है और वो डूबने लगे नारायण भगवान के भक्ति में। चातुर्मास गुजर गया। नारद जी महाराज जी के मन में भाव जगा, मैं महात्मा बनूं। 5 वर्ष की उम्र में, ये तो केवल हिंदुस्तान में संभव है, हमने भी 13 साल की उम्र में घर छोड़ा है, बहुत छोटे थे हम, कोई पूर्व जन्म का संस्कार रहा होगा, भगवान की कृपा रही होगी। 5 वर्ष की उम्र में नारद जी महाराज जी के मन में भाव जगा, मैं महात्मा बनूं। महात्माओं के चरणों में भी उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु हमको महात्मा बना दीजिए। माँ को मालूम पड़ा, माँ ने कहा बेटा तुम्हारे को छोड़कर दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तुम महात्मा बनोगे मेरा क्या होगा। नारद जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में कितने समझदार हैं, उन्होंने अपना स्वार्थ त्याग दिया माँ के लिए। उन्होंने संकल्प लिया जब तक माँ घर में तब तक मैं घर में रहूंगा, साधना करूंगा, घर में साधना करूंगा। महात्मा चले गए, महात्माओं को पूछा उन्होंने, भगवान आप कहाँ जा रहे? महात्माओं ने कहा उत्तराखंड जा रहे, उत्तराखंड और हिमालय। महात्मा जाने के बाद नारद जी महाराज बैठ गए और साधना करने लगे नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा समय गुजर गया, एक दिन की बात है, नारद जी महाराज जी की मां को सांप ने काटा और उनका देहांत हो गया। आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी, लेकिन उस प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाने का विवेक आपके अंदर होना चाहिए। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें विपरीत आएगी, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों को
आपको अनुकूलता में ढालना है। नारद जी महाराज को बड़ा दुख हुआ, 5 वर्ष की उम्र, लेकिन अनुग्रह मन्यमान प्रातिष्ठम देशमुत्तराम। नारायण उस दुखद परिस्थिति को भी उन्होंने अपने जीवन का वरदान बना लिया और वो भगवान को याद करने लगे, भगवान की कृपा है, अब मैं महात्मा बन जाऊंगा, मां के रहते मैं साधु नहीं बन पा रहा था, अब मेरी मां नहीं रही, मैं महात्मा बन जाऊंगा। 5 वर्ष का बालक वो, और वो चल पड़ा नारायण, जिनको न देश का पता न काल का पता। आप एक कदम तो चलो, सारी प्रकृति आपको मदद देने के लिए तैयार है। आप काम का आरंभ करो, आपको ये प्रकृति, विराट प्रकृति आपको मदद करेगी, भगवान मदद करेंगे। आप निठल्ले और कायर बन के बैठे रहोगे, अपने जीवन में कभी कुछ पा नहीं पाओगे। आपको पुरुषार्थ कर लेना चाहिए, आपको चल देना चाहिए। एक बहुत पुरानी बात है, हरिद्वार में एक जगह है गुरुद्वारा, बहुत बड़ा नानकपुरा गुरुद्वारा सप्त सरोवर में। एक बार मैं बहुत हताश निराश हो गया, कोई बहुत अच्छे संस्कृत पढ़ाने वाले लोग नहीं मिल रहे थे, रहने की व्यवस्था नहीं थी, खाने की व्यवस्था नहीं थी, मैं परेशान हो गया, बहुत परेशान हुआ। रहने की व्यवस्था नहीं, जहाँ रहने की व्यवस्था है वहाँ खाने की नहीं, जहाँ रहने खाने की व्यवस्था है वहाँ पढ़ने की नहीं, साधना की सुविधा, अब क्या हो, अब क्या होगा। वो नानकपुरा आश्रम में जा करके मैं भिक्षा लेता था, सफेद कपड़े में था उस समय, बहुत दुखी था, सचमुच में बहुत दुखी था वो। एक कोई मेरे को साधु मिले, करीब 6 फुट ऊंचे थे, 6 फुट, बड़ा भारी शरीर, पंजाबी रहा होगा, 5 फुट का तो डंडा था उनका, ओ ऐसा डंडा लेके, सिर में ऐसा कपड़ा टोपा जैसा लपेट के, हाथ में कमंडल था, जूता पहना हुआ था। वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को पूछा, कहो क्या करते हो ब्रह्मचारी, ऐसा बोला। तो अब मेरे भीतर जो था वो बाहर निकला, मैंने कहा महाराज जी कुछ नहीं करता हूँ, मैं हताश निराश था, मैं दुखी था, मैंने कहा महाराज कुछ नहीं करता हूँ। अरे बोले इतने तुम हताश निराश, अरे तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम जहाँ भी पैर रखोगे वहाँ से पानी निकल आएगा। अरे वो पता नहीं कौन साधु था, बाद में मेरे को नहीं मिला, उन्होंने कहा तुम जहाँ भी पैर रखोगे वही पानी निकल आएगा। बोले तुम करो पुरुषार्थ करो, निराश मत हो, तुम निकल पड़ो, तुम साधना करो, तुम पढ़ाई करो, अरे बोले घूमो दुनिया में घूमो। और इतना बोलने के बाद वो साधु चला गया और वो एक वाक्य मेरे कानों में गूंजने लगा, ओ मैं जहां भी पैर रखूंगा पानी निकल आएगा, जहां भी पैर रखूंगा पानी निकल आएगा। ओ इतना अंदर आत्मविश्वास और आश्चर्य की बात। उसी दिन मैंने झोला उठा लिया, जहाँ झोला पड़ा हुआ था इसी के आश्रम में रहता था, उठा लिया झोला और चला गया ऋषिकेश और एक गुफा में जाके रहा मैं। 7 वर्ष तक उस गुफा में रहा मैं, साधना करता था, भिक्षा मांगे खाता था, कैलाश आश्रम में पढ़ने के लिए जाता था। पानी निकल आया कि नहीं बताओ, वो महात्मा सही बोल रहा था, वो महात्मा सही बोल रहा था। आप अपने जीवन में श्रम करोगे, प्रतिकूलता को अनुकूलता में ढालोगे, तो आप अपने जीवन की संपूर्ण सफलताओं को प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप चलो तो आपको भगवान मदद करेंगे, पग पग पर आपको मदद करने वाले लोग मिलेंगे। कई बार ऐसा भी रहा, हम लोग बनारस से जा रहे थे हरिद्वार, कुछ नहीं था हमारे पास, हमारे एक साथी थे, वो बहुत पुरानी बात है, 25 पैसा था हमारे पास, केवल 25 पैसा, ट्रेन के लिए टिकट का पैसा नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, और जा रहे हम। अब वो 2 दिन ट्रेन चलती थी, वो बहुत पुरानी ट्रेन चल, झुकझुक गाड़ी जैसी थी वो पुराने जमाने की, अरे वो तो इतनी धीरे में चलती थी कि कहाँ है गाड़ी पूछ लो, सुबह का समय गाड़ी कहाँ है, बोले प्रतापगढ़, फिर सो जाओ आप, फिर 12 बजे उठ के पूछ लो भैया गाड़ी कहाँ है, बोले प्रतापगढ़, फिर संध्या के समय पूछ लेना भैया उठ के
गाड़ी कहाँ है? तो बोले प्रतापगढ़। 12-12 घंटे लेट हो जाती थी गाड़ियों, एक ही ट्रैक थी। हमारे साथी ने सोचा अब क्या होगा, रास्ते में क्या खाएंगे हम 2-3 दिन तक। हम सोच ही रहे थे और सामने कुछ महाराष्ट्रियन लोग भोजन बनाते हुए हमको दिखाई दिए। वो रोटी बना रहे थे लोग। महात्मा ने कहा अच्छी बात है, चलो इन्हीं को रोटी मांग लेते हैं हम लोग। वो महात्मा जी गए और उन्होंने उन महाराष्ट्रियन माताओं को बोला मैया हमको रोटी चाहिए। तो उन लोगों ने पूछा कि आप यहीं बैठ के खाओगे कि ले जाओगे? उन्होंने कहा कि हम ले जाएंगे यहाँ से। 4-4 रोटी दी उन्होंने बना। ओ हरिद्वार जा रहे हो आप? 4-4 ज्वारी की रोटी और पता नहीं कोई सब्जी दे दी, और हमने 2-2 रोटी बांध के, 4 दिया था, 2-2 बांध के ले गए। भगवान आपकी मदद करते हैं, आप भगवान के प्रति शिकायत नहीं कर सकते। आपकी मांग बहुत ज्यादा है इसलिए आपको लगता है कि भगवान आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा मांग लेते हो और वो कम मिलता है तो आपको भगवान से शिकायत हो जाती है। आपको भगवान ने क्या नहीं दिया? सब कुछ तो दिया, उसके बाद भी आप सोचते हैं भगवान ने कुछ नहीं दिया। आपके पास सब कुछ है लेकिन आपकी भगवान के प्रति शिकायत है कि भगवान हमारी नहीं सुनते हैं। नारद जी महाराज 5 वर्ष की उम्र में चल पड़े नारायण, और केवल एक आश्रय था भगवान का नाम, वो गुरु की कृपा थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदमी को जप करना चाहिए, आदमी को छूट के जप करना चाहिए, एक संकल्प लेके जप करना चाहिए। भैया हम इतना जप करेंगे, बहुत बड़े बड़े संकल्प नहीं लेना चाहिए आदमी को। अनुव्रत, अनुव्रत माने छोटे छोटे संकल्प लो और उन छोटे छोटे संकल्पों को पूरा करते जाओ, और वो पूरा करने की आदत अपने को डालो, अपने में डालो पूरा करने की आदत। आप जैसी आदत डालोगे ना वैसे आप बनोगे। काम अधूरा छोड़ने की आदत डालोगे तो वैसी आदत बन जाती, फिर आप जो भी काम करोगे अधूरा छोड़ दोगे। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, आप जब भी अपना जूता खोल के अपने कमरे में जाते हो ना तो एक आदत डालो कि वो जूता हम बहुत व्यवस्थित रख लेंगे। आप जब भी अंदर जाओ तो जूता अपना व्यवस्थित रखो और अंदर प्रवेश करो, आपको ऐसी आदत लगेगी। आपको मालूम भी नहीं होगा, एक समय ऐसा आएगा आपका जूता बहुत व्यवस्थित किनारे पर रखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपकी आदत है एक जूता यहाँ और एक जूता वहाँ और आप अंदर चले गए। बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत होती है, उनमें आप भी हो सकते हैं, एक जूता यहाँ दूसरा जूता वहाँ और आप अंदर। हम देखते हैं ये जूता आदमी कहाँ रख रहा है, उसको होश नहीं है, उसको बेहोशी है, और उसको मालूम होना चाहिए जूता रास्ते में नहीं रखा जाता है, किनारे पर रखा जाता है, लेकिन आदमी रास्ते में रख लेता है जूता, उसको आदत है। और वो ऐसी आदत लगी कि वो आदत फिर छूटती नहीं है। ये सामान्य छोटी सी बात है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़े शास्त्र की बात नहीं है, एक अनुशासन अपने जीवन को नियंत्रित करने की बात है। आप इसको करो, इसको आप अपने जीवन में अपनाओ। छोटा सा व्रत लेना, छोटे से संकल्प लेना और उसको पूरा करते जाना, और वो आपके जीवन में आदत लगेगी। फिर आप जो भी संकल्प लोगे उसको आप पूरा करते जाओगे, और जब आप बड़े बड़े संकल्प लोगे तो भी आप पूरा करोगे। आप संकल्प लो कि हम एक माला जप करेंगे रोज, और उसको पूरा करना है। आप संकल्प लो 2 माला जप करना है, आप संकल्प लो और उसको पूरा करो। आप संकल्प लो कि हम किसी से भी द्वेष नहीं करेंगे, हम किसी के उन्नति को देखकर जलेंगे नहीं, हम अपने जीवन में जो चीजें हैं वो दूसरे के लिए मदद के रूप में प्रस्तुत करेंगे, हम अपने परिवार में हम बहुत अच्छे से रहेंगे, हम सबको सुख प्रदान करेंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे। आप कोशिश तो करो, और जब आप कोशिश करते हो तो वो कोशिश आपको वैसे बना देती है, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है उससे। नारद जी महाराज के जीवन में केवल एक मंत्र था नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब उनके पैरों में कुछ नहीं था, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं थे,
खाने की कोई सामग्री उनके पास नहीं थी और वो जंगल में अकेले थे। उस जंगल में शेर, भालू, चीते, सांप, बिच्छू सब कुछ दिखाई दे रहे थे। लेकिन नारद जी महाराज जी के मन में कोई भय नहीं था। नारायण क्यों नहीं था? एक ही अहे परमात्मा और उनका नाम स्मरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूखे थे, प्यास लगी हुई थी और अकेले जंगल से होके गुजर रहे थे नारायण। उनको ऐसा लगा कि मेरे को पीने को जल मिले, थोड़ा खाने को कुछ। अचानक उन्होंने देखा अपने सामने एक बहुत सुंदर सरोवर है। उन्होंने सरोवर का जलपान किया और जलपान करने के बाद थोड़ा शांति का अनुभव हुआ और वो सोचने लगे, यहाँ बहुत सुंदर एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे बैठ के मैं भगवान का भजन करूंगा। वो बैठ करके नारायण भगवान का भजन करने लगे। आसन लगा हुआ है, पद्मासन लगाया है, आंखें बंद है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लंबी गहरी सांस ली। मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब आप जप करो तो लंबी गहरी सांस, और पहले अपने आप को नियंत्रण में लाओ, लंबी गहरी सांस लेकर उन सांसों के साथ भगवान के मंत्र को जोड़कर आप जप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आहा, 5 वर्ष का बालक जंगल में बैठकर पेड़ के नीचे सरोवर के किनारे भगवान की आराधना करने लगा। उनके मन की सारी विक्षेप की अवस्था समाप्त हो गई, मन निर्मल हो गया, एकाग्र हो गया, परमात्मा में ध्यान लग गया। सर्वांग रोमांचित हो उठा नारायण, आंखों से जल की धारा प्रवाहित होने लगी और उसी समय उनके अंतःकरण में परमात्मा भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोली सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। अपश्यन् सहसोतस्थे वैक्लव्या दुर्मनायव रूपं भगवतो यत्तन् मनः कांतं सुचापहं वीक्षमानोऽपि नापश्यत् मवितृप्त इवातुर। उन्होंने भगवान के दर्शन किए नारायण, एक क्षण लेकिन मन में तृप्ति नहीं हुई। एक क्षण भगवान के दर्शन थे। मैं आपको अक्सर एक बात कहता हूं, आप ध्यान करने के लिए जब बैठते हो तो आपको मालूम नहीं पड़ता है कि ध्यान करते करते एक क्षण का आपको ध्यान लग गया, आपका लग जाता है। आप घंटा भर बैठे हैं, आपको अच्छा लगता है कि नहीं? वो आपको जो अच्छा लग रहा है वो ध्यान लगने का फल है। आपको तनाव रहित मन का अनुभव हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपको ध्यान का अनुभव है। वो आपको मालूम नहीं, लेकिन आप घंटा बैठे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मन तो गया, दुनिया में कुछ नहीं मिला, मन बहुत विक्षिप्त है। लेकिन ऐसा नहीं, उसी में घंटे में एक आधा क्षण आपका वो ध्यान को टच कर जाता है और आपको यही नहीं मालूम पड़ता है कि वो क्षण ध्यान का था, वो नींद का था। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, आपको बैठ के जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मन लगे या न लगे। नारद जी महाराज का नारायण वो एक क्षण का साक्षात्कार प्रभु का जीवन को बदल गया। वो साक्षात्कार ने जीवन को बदल लिया और वो भगवान के दर्शन एक क्षण के इतने आकर्षक थे
भगवान अदृश्य हो गए, आंखें खोल के चारों ओर देखने लगे। वो कहां गए कहां गए, रोने लगे नारद जी महाराज। वो फूट फूट के रो रहे थे, हे प्रभु आप कहां हो, हे प्रभु आप कहां हो, आप हमको दर्शन प्रदान करो। आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा हंत हे नारद मेरे को बहुत दुख है, इस जन्म में तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, अगले जन्म की प्रतीक्षा करो। इस जन्म में तुम भगवान मेरा भजन करो और अगले जन्म में तुमको मेरे दर्शन होंगे। अभी जन्म अंतिम है, अंतिम है। परम आनंद में डूब गए नारद जी महाराज, परम आनंद में। क्यों डूबे, उनको मालूम पड़ा अगले जन्म में मिलेंगे भगवान, अगले जन्म में मिलेंगे, इसका मतलब अब निश्चित हुआ ना, निश्चित हुआ। आप जाना चाहते हो बनारस, अभी गाड़ी नहीं मिली, मन परेशान रहता, अरे गाड़ी नहीं मिली, गाड़ी नहीं मिली, अब कैसे जाए, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन आपको गाड़ी मिली। आपका आरक्षण हो गया तो उसके बाद फिर आपका मन स्थिर हो जाता है, तनाव रहित हो जाते हैं आप। आपको मालूम पड़ गया कि कल हमको जाना है, परसों जाना है, मालूम पड़ा। नारद जी महाराज को मालूम पड़ा कि मेरे को अगले जन्म में भगवान के दर्शन होने वाले हैं, परम आनंद में डूब गए। और उसके बाद नारद जी महाराज ने संकल्प लिया कि मैं ये जगह छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। उसी पेड़ के नीचे, उसी सरोवर के किनारे बैठ करके वो भगवान का भजन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी महाराज ने अपने चरित्र में कहा, समय पूरा हुआ नारायण, इस प्रारब्ध, इस शरीर का प्रारब्ध समाप्त हुआ। आकाश में जैसे बिजली कौन जाए, वैसे नारद जी महाराज का शरीर छूट गया और उसके बाद अब कोई शरीर नहीं मिला। भगवान का निरंतर वो भजन करते हैं, श्रीमन नारायण 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 नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी महाराज ने कहा मेरे मन में कोई दुनिया का भय नहीं है और न कोई प्रलोभन है, केवल एक परमात्मा का आकर्षण है और मैं निरंतर प्रभु को याद करता हूं। मेरे जीवन में परम शांति का अनुभव है, मैंने भगवान का नामस्मरण नहीं किया था तब तक मन अशांत था, और जब मैंने भगवत आश्रय ग्रहण किया तो मेरा मन शांत हो गया। और आपको भी यदि मन की शांति चाहिए तो भगवत आश्रय ग्रहण करो, भगवान का खूब भजन करो। अब आप दुनिया की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। हम दुनिया की चिंता करते हैं और दुनिया के लिए जीते हैं नारायण, और इसकी अपेक्षा अपने लिए भी थोड़ा जीने की आदत डालनी चाहिए। व्यास जी महाराज समझ गए, मंत्र मिला गुरु से, मार्ग मिला नारायण, नारद जी महाराज जी से। नारद जी महाराज वहां से चले गए और इधर व्यास जी महाराज ब्रह्म नद्याम सरस्वत्या आश्रम पश्चिमे तटे शम्या प्रासैति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धन भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणीहिते मले अपश्यन् पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयम्। सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी महाराज शम्याप्रास नाम के आश्रम में बैठ गए, आचमन किया उन्होंने, और आचमन करके भगवान का ध्यान करने लगे। और वो भगवान का ध्यान नारायण ऐसा गहराई से किया, गहराई से, प्राणों से। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप प्राणों से भगवान को पुकारो, जो आप साधना करते हो ना प्राणों से। अच्छा आप बोलते हो ना कि अपने बच्चों को बोल देते हो कभी, ओ आपसे हम प्राणों से ज्यादा चाहते हैं, ऐसा बोलते हैं, मतलब क्या है? आप भगवान के लिए भी भावना रखते हो कि हम प्राणों से भी ज्यादा भगवान को चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? प्राण आपके जीवन में सबसे मूल्यवान चीज है। यदि प्राण आपके शरीर में है तो आपका जीवन है, और प्राण यदि नहीं है तो आपका जीवन नहीं है। और प्राण को डालकर
याद करना मतलब जीवन के साथ आपके बिना हमारा जीवित रहना संभव नहीं है। आप जब भी साधना करो तो प्राण को मिलाकर, और ये प्राणों को मिलाकर का मतलब यही है, आप गहरी लंबी श्वास ले लो पहले, और उन श्वासों में परमेश्वर को मिला दो, अपने प्राणों में मिला दो, अपने जीवन में मिला दो, अपने अस्तित्व में मिला दो। प्राण हमारा अस्तित्व है, और उस अस्तित्व में आप परमेश्वर को मिला दे। लंबी गहरी श्वास ले, और उस लंबी गहरी श्वास के साथ भगवान का नाम मिला दे। आप लंबी श्वास ले रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप श्वास को छोड़ रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्वासों को देख रहे हैं। आप थोड़े समय अभ्यास करोगे तो केवल सांस ही रह जाती, सांस ही रह जाती, और ये शरीर खो जाता है। और थोड़ा अभ्यास करोगे तो फिर श्वास भी खो जाती है, केवल वो नाम रह जाता है, और थोड़े समय के बाद वो नाम भी नहीं रहता, वो परमात्मा जिसका आप नाम ले रहे हैं वो केवल एक रह जाते हैं। ये साधना की गहराई। नारायण निरंतर ये अभ्यास की जरूरत है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने बैठकर साधना की, उन्हें भगवान के दर्शन हुए, उन्हें माया के भी दर्शन हुए नारायण, और वो सारा आध्यात्मिक जगत उन्होंने अपने भीतर देखा। आपके सामने जो भागवत है वो भागवत उन्होंने अपने अंदर देखी, अंदर वो सारी भागवत प्रकट हो गई, नारायण प्रकट हो गए। इसलिए समाधि भाषा कहते हैं, भागवत को समाधि भाषा कहते हैं। समाधि भाषा क्यों? समाधि भाषा का मतलब है समाधि में गए, और समाधि में जिसका अनुभव किया और वो अनुभव आप तक पहुंचा दिया, वही समाधि भाषा है। ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये उनकी अनुभूति है। जो नारद की अनुभूति थी वो व्यास को बता दी, और वो व्यास की जो अनुभूति थी वो आपकी भागवत सुखदेव जी महाराज जी को बता दी। बहुत सुंदर ये भागवत है, और ये साधना आप जब तक जीवन में नहीं करोगे तब तक ये हमारा अनुभव नहीं बनेगा। भागवत हमारा अनुभव बने। आप भागवत हैं, भगवान का नाम भी भागवत है, भगवान को कहने वाली ये पुस्तक भी भागवत है, भगवान के संबंध में जो भी चीजें सारी भागवत है नारायण, उसको भागवत कहा जाता है। आप भागवत, मैं भागवत हूँ क्योंकि भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये पुस्तक भागवत है क्योंकि ये भगवान से जुड़ी हुई है। आपकी जो भी चीज भगवान से जुड़ जाती है वो भागवत कहलाती है। आप खुद स्वयं आप खुद में भागवत बनो, जो शब्द है वो आपका अनुभव बने तो सार्थकता है। आप थ्योरी कब तक दोहराते जाओगे? हमारे सुरेश भाई सहारा जी बैठे हमारे साथ, उनका बड़ा गहरा, मृदुला सहारा जी दोनों विराज रहे हैं, बड़ा गहरा संबंध है, माता पिता की तरह हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। जहां भी आध्यात्मिक जगत है उनके साथ आप हमेशा जुड़े रहे। हम लोग जाते थे गुप्त काशी में नवरात्रियों में या आगे पीछे गर्मी के दिनों में, और वो भ्रमण करते थे जब ध्यान साधना करते थे। एक बार उन्होंने कहा कि चलो इस बार भी हम गुप्त काशी में चलते हैं, बच्चे भी रहेंगे, बच्चों को भी कुछ सीखने को मिलेगा, एक घंटा आप प्रवचन सुनाओगे। पता नहीं क्यों भगवान की ऐसी कृपा, मैंने उनको बोला कि आपको जब मालूम हो गया हरिद्वार जाने का ये रास्ता है तो आप कब तक पूछोगे हरिद्वार का रास्ता कौन सा, हरिद्वार का रास्ता कौन सा, हरिद्वार का रास्ता कौन सा। आपको जब मालूम हो गया ये हरिद्वार का रास्ता, तो आपको चल पड़ना चाहिए, आपको पूछना नहीं चाहिए। आप जिंदगी भर पूछते रहोगे हरिद्वार का रास्ता क्या है, हरिद्वार का रास्ता क्या है, हरिद्वार का रास्ता क्या है, क्या पूछते भी रहोगे।
हमने कहा कि अब कोई प्रवचन नहीं होगा, कोई प्रवचन नहीं, मौन, आप भी मौन, हम भी मौन, और गृह मंत्रालय माता जी को सौंप देंगे हम। चले गए हम लोग ओंकारेश्वर, और हम दोनों भी मौन थे 9 दिनों तक, वो भी मौन, मैं भी मौन, साधना कर रहे थे हम लोग। आपका अनुभव कैसे बने भैया? शास्त्र आपका अनुभव तब बनेगा जब आप उस शास्त्र पर चलोगे। केवल सुनना ही साधना नहीं है, सुनना एक स्टेप है। हम जिंदगी भर सुनने के आनंद में मग्न है, करने के आनंद में नहीं। हम जिंदगी भर सुनना ही चाहते हैं, अच्छा है, नहीं सुनने से अच्छा है। आप दुनिया की बहुत सारी चीजें करते हैं, उससे तो अच्छा है सुनना, लेकिन सुनना, केवल सुनना, ये आपको कहीं लहीं नहीं ले जाएगा, आपको कहीं नहीं ले जाएगा। और बड़ा आनंद आया, आहा, 9 दिन तक मौन, और वो भगवान की साधना आराधना, साधु की तरह दिख रहे थे हमारे शारा। शास्त्र आपका अनुभव हो, आपका ऐसा लगता है, तो आप शास्त्रों को जीना सीखो, शास्त्र को अपने जीवन में उतारो। उतार लिया जीवन में व्यास ने, और जो परमात्मा का अनुभव था उनका अनुभव बना नारायण, सारे शास्त्र उनकी अनुभूति बनी, और वो अनुभूति उन्होंने शब्दों में डाल दी, भागवत बना, और वो सुखदेव जी महाराज जी को सुना दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। महाभारत के प्रसंग से आपके भागवत का आरंभ है। महाभारत का प्रसंग नारायण बड़ा सुंदर है। एक तरफ कौरव है, दूसरी तरफ पांडव है, और ये दोनों का संघर्ष, दैवी शक्तियां और असुरी शक्तियां। कौरवों का जो नेतृत्व करता है वो दुर्योधन है, और पांडवों के पक्ष का जो नेतृत्व करने वाला है युधिष्ठिर जी महाराज, और दोनों की सेना आप मिला के बोलो तो करीब करीब 55 लाख सैनिक हैं, 11 अक्षोहिणी सेना कौरवों की, 7 अक्षोहिणी सेना पांडवों की, ऐसी कुल मिला के 18 अक्षोहिणी सेना, माने करीब करीब 55 लाख सैनिक हैं, और वो स्वार्थ का संघर्ष है। जहां पर भी स्वार्थ है, सत्ता के प्रति प्रलोभन है, वहां अत्याचार है, वहां पर अन्याय है, दूसरे के अधिकार को हड़पने की भावना है। हमारे अंदर इतना लोभ नहीं होना चाहिए जिससे कि हम दूसरे के अधिकार को हड़प ले, हम दूसरे के अधिकार को छीन ले, इतना लोभ नहीं होना चाहिए। आपके अंदर लोभ है बहुत अच्छी बात है, आप अपना पर्स संभाल लीजिए, लेकिन आपको दूसरे के पर्स में हाथ नहीं डालना चाहिए। आपके अंदर लोभ होना चाहिए इतना जितना आप अपने पर्स को संभाल के रख सको, लेकिन इतना लोभ नहीं होना चाहिए कि दूसरे के पर्स में हाथ डालने की इच्छा पैदा हो जाए। आपके पास जो भी चीजें आप उसको संभाल लीजिए, इतना लोभ आपके पास होना चाहिए, लेकिन दूसरे के अधिकार को छीनने इतनी बात हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र और दुर्योधन ये अति लोभ की पराकाष्ठा है, लोभ की पराकाष्ठा है, उन्होंने सत्ता को छीन लिया। युधिष्ठिर जी महाराज की सत्ता को उन्होंने छीन लिया नारायण, उनका अधिकार छीन लिया। भगवान ने समझाने की कोशिश करी, भगवान श्री कृष्ण वो कभी नहीं चाहते थे महाभारत का युद्ध हो, भगवान युद्ध प्रेमी नहीं है। भगवान ने हमेशा प्रयत्न किया नारायण युद्ध न हो, और ऐसा न होता तो भगवान मथुरा छोड़ के द्वारका क्यों भाग जाते। भगवान ने जाके समझाया दुर्योधन को, केवल 5 गांव दे देना, ज्यादा नहीं, केवल कितने 5 गांव युधिष्ठिर जी महाराज जी को प्रदान करो, और उतने में संतोष कर लेंगे वो लोग। लेकिन दुर्योधन ने नहीं माना। दुर्योधन ने क्या बोला मालूम है?
सुचग्रमपि दास्यामि बिना युद्धेन केशव। बिना युद्ध सुई के अग्रभाग में जितनी जमीन बैठ सके उतने भी मैं देने को तैयार नहीं हूं। अरे 5 गांव दे देता वो, 10 गांव देता, 25 गांव दे देता, मिल बांट के खा लेते। और ये बहुत बड़ा जो संघर्ष और विनाश से वो बच सकते थे, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, उन्होंने कहा कि सुई के अग्रभाग इतनी जमीन भी बिना युद्ध नहीं मिलेगी, अनिवार्य हो गया। महाभारत का युद्ध अनिवार्य हो गया, नारायण आरंभ हो गया। महाभारत के युद्ध में सारे लोग मारे गए, कौरव मारे गए, लाखों लाखों वीर पुरुष मारे गए, महाविनाश प्रकट हुआ, महाविनाश हो गया। और उसमें केवल 10 लोग बचे थे, महाभारत के युद्ध में केवल जो अधिकृत लड़ने वाले लोग थे उनमें केवल 10 लोग बचे थे, 5 पांडव, सात्विकी, कृष्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ये केवल 10 लोग बचे, बाकी सारे लोग मारे गए, महाविनाश। आप जहां पर भी बहुत ज्यादा अति लोभ में प्रवेश करते हैं वहां विनाश पैदा हो जाता है। आप क्रोध पर जब नियंत्रण नहीं करते तो क्रोध आपको विनाश मिल ही जाता है। आप काम पर जब नियंत्रण नहीं करते हैं तो काम आपको विनाश मिल जाता है। इसलिए अपने पर नियंत्रण होना चाहिए। महाभारत होने के बाद भगवान ने पांडवों को ऐसे रोते हुए छोड़ा नहीं। भगवान के आदेश से कृपाचार्य को आचार्य बना दिया और राज्य को व्यवस्थित भगवान ने कर दिया। और उसके बाद भगवान जाना चाहते थे द्वारका। एक बहुत आश्चर्य की बात यहां पर सुनाई गई है। जब भगवान जा रहे थे द्वारका और वो रोज जाने के लिए निकलते, रथ पर बैठते, लेकिन सारे परिवार के लोग, 5ों पांडवों के लोग घेर लेते और भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु आज मत जाओ, आज मत जाओ। भगवान रुक जाते, फिर दूसरे दिन निकलते, फिर सब लोग रोकते, फिर रुक जाते नारायण। लेकिन आज भगवान ने संकल्प लिया कि आज तो मेरे को जाना ही जाना है। आज जैसे भगवान जाने लगे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था समूल पांडवों के विनाश के लिए, और वो आग का गोला बनकर ब्रह्मास्त्र पांडवों की तरफ बढ़ा, लेकिन वो समूल बीजत्व को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र था। अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ में पल रहा था और आग का गोला नारायण उनके सामने गया बच्चे को मारने के लिए। उत्तरा ने देखा मेरे बच्चे को मारने के लिए आया हुआ है, भगवान की शरण ग्रहण की। उन्होंने कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गोसि संसृति। भगवान ने देखा और अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके भगवान उनके उदर में प्रवेश कर गए और उस अश्वत्थामा के तेज को समाप्त कर दिया, बालक की रक्षा की। सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए, 5ों पांडव प्रसन्न हो गए, कुंती प्रसन्न हो गई। और कुंती ने यहां पर भगवान की स्तुति की है, ध्यान से आप श्रवण करेंगे नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमो। विपदः संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवताम दर्शनो यथ्यादपुनर्भव दर्शन। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण व्रतये आत्मा रमाय शांताय कैवल्य पतये नमः। भगवान की स्तुति करती हुई कुंती ने एक बहुत गहरी बात बोली नारायण, आपके कल्पना से बाहर की बात बोली। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, आप सचमुच ईमानदारी से थोड़ा गर्दन हिला दो या सोचो,
आप दुखी हैं, कितने दुखी हैं? मैं किसी को भी बात करता हूं अकेले में तो वो यही बोलता है कि मैं बहुत दुखी हूं। और वो प्रार्थना करता है भगवान से कि हमको सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। आप सोचिए कि आप ज्यादा दुखी हैं कि कुंती ज्यादा दुखी थी। कुमार अवस्था में बहुत कम उम्र में उत्सुकता वशात दुर्वासा के मंत्र का प्रयोग किया और बहुत कम उम्र में बालक पैदा हो गया, कर्ण पैदा हुआ, उनके हाथ में बालक हैं। आप कल्पना कर सकते हो वो परंपरा। और उस नवजात शिशु को उनको बहाना पड़ा, ऐसे बहाया नहीं, उन्होंने सुरक्षित पेटी में बंद कर दिया। एक सेवक को भी सौंप दिया, बोले इसकी रक्षा करो, देखो ये कहां जाता है। ऐसा नहीं, आप ये मत भूल के भी मत सोचना कि उन्होंने यूं बालक को उठाया और पानी में बहा दिया, ऐसा नहीं था, वो मर जाता ऐसा होता तो। उन्होंने उस बालक को पेटी में बंद कर दिया, नारायण सुरक्षित, सेवक बह गया हो, मालूम था कहां जा रहा है, सुरक्षा थी उसकी, वो राजकुमारी थी, कोई सामान्य महिला नहीं थी, वो सारी सुविधाएं और शक्तियां उनके पास थी। और वो बहुत बड़ी ममता थी उस बालक के प्रति, वो निर्मम मां नहीं थी। और वो बालक राधे नाम के एक व्यक्ति को मिला, नारायण उसको मालूम था मेरा बालक राजकुमार और एक गरीब घर में पल रहा है, अभावग्रस्त जीवन जी रहा है, कितना बड़ा कष्ट होगा कल्पना कर सकते। वो अपने बेटे को बेटा नहीं बोल सकती है, आंखों के सामने कर्ण का अपमान होता, लेकिन कभी कुंती का साहस नहीं हुआ बोलने का, ये मेरा बेटा है। वो रोती थी, अपना पल्लू अपने सिर पर डाल लेती थी, किसी को मालूम नहीं पड़ने दिया अपने हृदय का दुख, कितना बड़ा दुख है। अरे इससे बड़ा दुनिया में क्या दुख हो सकता है। विवाह हुआ और बच्चे पैदा होने के पहले ही श्राप मिला ऋषि का, तुम अपने पति को छोगी तो वो मर जाए। समझ में आया, देवताओं के आशीर्वाद से 5 पुत्र पैदा हुए और उसके बाद पांडु राजा चले गए, विधवा हो गई युवावस्था में, कितना बड़ा दुख है। अरे बहुत बड़ा दुख है, कल्पनातीत। और उसके बाद बच्चे बड़े हुए, भीम को जहर दे के मारने का प्रयत्न किया दुर्योधन ने, थोड़े बड़े हुए, राज्य मिला, फिर जुए में हरा दिया गया, वनवास के लिए भेज दिए गए 2 बार, राज्य छीन गया, ओहो द्रौपदी का चीरहरण। मेरे को नहीं लगता है उन्होंने अपने जीवन में कभी सुख भोगा होगा, इतना बड़ा दुख जीवन में झेलने के बाद भी भगवान से कोई शिकायत नहीं है। आप होते तो पता नहीं कितना शिकायत करते, बहुत लोग सुना देते हैं, बहुत सारे बच्चे भी बोल देते हैं, अब हम भगवान के मंदिर में नहीं जाते हैं। बोले क्यों, अरे बहुत गए लेकिन कुछ मिला ही नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज पहले तो हम बहुत जप करते थे लेकिन अब ने तो आप छोड़ दिया क्योंकि उससे कुछ मिला ही नहीं, हमने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ मिला ही नहीं, भगवान हमारी बात सुनते ही नहीं। आप कुंती को देखो और वो प्रभु का पुकारना कभी बंद नहीं होता, कोई शिकायत नहीं। और अंतिम समय भगवान जा रहे हैं द्वारका और भगवान बोलते हैं बुआ मांगो क्या चाहिए, आप होते तो क्या मांगते, ईमानदारी से आप होते तो भगवान से पता नहीं क्या क्या मांगते। सबसे पहले तो कर्ण कोई मांग लेते क्या, पता नहीं क्या मांगते आप आपकी मांग आपकी डिमांड जो होगी वो आप मांगोगे। कुंती को जीवन में कभी सुख नहीं मिला, उसको कम से कम सुख ही तो मांग लेना था लेकिन नहीं मांगा। एक ही श्लोक कुंती के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने के लिए पर्याप्त है। विपदः संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यादपुनर्भव दर्शनम।
विपद संतु। क्या मांगा उन्होंने, आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो वो चीज मांग ली। प्रभु मेरे को पग पग पर हा? एक दो बार नहीं, शाश्वत विपद संतु में शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु, तत्र तत्र मने पग पग पर मेरे को विपत्तियां प्रदान करो, अशांति प्रदान करो, दारिद्र्य पैदा करो, जो भी मेरे जीवन की चीजें हैं सारी चीजें तुम छीन लो। बोले क्यों? अरे बोले वही तो एक मार्ग है तुम्हारे दर्शन का। जब आदमी सुख में प्रवेश करता है, जब आदमी सुखी होता है वो भगवान को भूल जाता है। संपत्ति में भगवान ज्यादा याद नहीं आते हैं जितने विपत्ति में आते हैं। दुख में जितना हम परमात्मा को याद करते नारायण, उतना हम सुख में नहीं करते। एक बहुत बड़ा रहस्य है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम है विषाद योग। विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। विषाद योग, पहले अध्याय का नाम विषाद योग, विषाद का योग है। लेकिन वही तो विषाद योग है जिसके द्वारा उनको भगवान मिले। अर्जुन को विषाद न हुआ होता तो कभी भगवान नहीं मिलते। अर्जुन भगवान के साथ था लेकिन भगवान का परिचय नहीं था, वो तो एक दोस्त समझता था। अजानता महिमानं तवेदं मत प्रमादात प्रणयेन वापी, हे कृष्ण हे यादव हे सखी। समझ में आया कि नहीं आया? अर्जुन को भगवान का पता नहीं था, केवल जानता था ये रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, सखा है। और वो यूं बोल देता था, हे यादव भाई आप अपने गुरु को सरनेम से बुलाओगे? अपने पिता को भी बुलाओगे तो आप कैसे बुलाओगे? आपने पिता का नाम सरनेम है तो आप उसको रिश्तों से बुलाओगे सरनेम से? आप बोल दोगे हे यादव इधर आओ, ऐसा बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, ये रिश्ता है। और भगवान के साथ जब बात करता था अर्जुन तो क्या बोलता था? हे यादव, ऐसा बोल देते थे। यादव बोल देते, हे दोस्त, ऐसा बोल देते। समझ में नहीं आया? हमारे जीवन में जो दुखानुभव है एक बहुत बड़ी अनुभूति है, ये हमारे जीवन के विस्तार के लिए, ये समस्याओं के समाधान के लिए भगवान ने आपको दुख दिया है। दुख नहीं दिया था, भगवान देते तो शायद आप इतना विस्तार नहीं करते। दुनिया के जितने आविष्कार हुए वो सारे संघर्षों से हुए हैं। आपके जीवन में यदि संघर्ष ना हो, दुख ना हो, तो आपके जीवन का विकास ही संभव नहीं है। जब भी आपके जीवन में कोई अपमान की घटना घट जाती है तो आप सोचते हैं मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को कुछ होना है। विषाद हुआ अर्जुन को, मालूम पड़ा, अपने विषाद को दूर करने के लिए भगवान की शरणागति को स्वीकार किया और मालूम पड़ा ये भगवान है। विषाद न होता तो कभी मालूम नहीं पड़ता, इसलिए विषाद को विषाद योग बोला है, विषाद योग। आपको जब दुख हो जाए तो आप बैठ जाओ, लंबी गहरी सांस लो और भगवान को याद करो, आपका दुख विषाद बना। आप तनाव में हैं, आप लंबी गहरी सांस लो, बैठ जाओ और आपका दुख दूर होना शुरू हो जाएगा। ये आपका तनाव जो है ना वो योग है, तनाव योग है। आप मानसिक रूप से बहुत कष्ट में, बड़ा लंबी गहरी सांस लो और भगवान को याद करो, आपका विषाद हो योग हो गया, आपका विषाद योग। भगवान ने कुंती को क्या दिया? क्या जो आप भगवान को मांगते हो वो भगवान आपको नहीं देते हैं, जो आपके लिए आवश्यक है वो भगवान आपको देते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आप भगवान को जो मांगो वो नहीं देते भगवान, आपको जो जरूरी है वो चीज भगवान प्रदान करते हैं। आपके बच्चे आपसे चाकू भी मांग लेते तो आप देते हो क्या? नहीं देते। आपको मालूम है मेरे बच्चों को किस चीज की जरूरत है वो चीज दे देते हैं, ऐसे ही भगवान को आप कुछ भी मांगो भगवान नहीं देते हैं। अरे आपके मांगने का क्या भरोसा?
आप तो कुछ भी मांग सकते हो और ऐसी चीजें भी मांग सकते हो जो आपके भविष्य के लिए अच्छी नहीं है, आपके भविष्य को बिगाड़ने वाली है, वो चीजें भी आप मांग सकते हो।